जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सोरे ऑफ सोल्जर्स के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, क्या आपको पता है पीएमएसपी अकाउंट के फ़ायदे क्या है? पीएमएसपी अकाउंट खोलने के बाद में कितने प्रकार के डेबिट कार्ड फोर्स पर्सन्स को दिए जाते हैं और किस रैंक के कर्मचारी को कौन सा कार्ड ऑथराइज है? तो आइए इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। पहली बात तो जान लो, पीएमएसपी होता है पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज, लेकिन आजकल पीएमएसपी का नाम चेंज कर दिया है, पीएमएसपी को कर दिया है सीएपीएसपी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज। ये केवल अभी एसबीआई ने किया है, अदर बैंक्स भी कर सकती है, लेकिन अभी एसबीआई ने इसका नाम पीएमएसपी से हटा के सीएपीएसपी कर दिया है। अब जानते हैं कि सीएपीएसपी के अंदर जो तीन कार्ड पैरामिलिट्री फोर्स पर्सन को ऑथराइज है, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम, वो किस किस रैंक होल्डर्स को कब कब मिलता है? तो गोल्ड कार्ड होता है वो केवल ORS और SOs रैंक, जिसमें कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, ASI, SI, इंस्पेक्टर और SM को मिलता है। इसके बाद में यदि प्रमोशन लेते हैं या डायरेक्ट ऑफिसर रैंक में भर्ती होते हैं तो उनके लिए ऑथराइज है डायमंड कार्ड, जिसके अंदर असिस्टेंट कमांडेंट और डेप्यूटी कमांडेंट, और हायर ऑफिसर्स की रैंक में जो सेकेंड इन कमांडेंट, कमांडेंट, DIG सर, IG, ADG और DG होते हैं, वो प्लेटिनम कार्ड के लिए ऑथराइज है। अभी तक सिल्वर कार्ड था सभी के पास में, लेकिन अब पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर लगभग सभी कॉन्स्टेबल तक को गोल्ड कार्ड दे दिया गया है। जिनके पास भी अभी भी सिल्वर कार्ड है वो इसको अपग्रेड करवा सकते हैं और गोल्ड कार्ड ले सकते हैं। अपग्रेड की प्रोसेस बहुत ईजी है, आपको तीन तरीके से अपग्रेड कराने का ऑप्शन मिलता है। पहला तो आप ब्रांच विजिट कीजिए, जहाँ आपकी होम ब्रांच है, जहाँ आपका सैलरी अकाउंट है, वहाँ जाइए। कभी भी छुट्टी वगैरह जब जाते हैं उस वक्त जाइए, अपनी ब्रांच में जाइए और वहाँ एक फॉर्म फिलअप कीजिए, उस माध्यम से भी करा सकते हैं। इसके अलावा मेल से भी आप करवा सकते हैं, मान लो आप ऑन ड्यूटी हो और जाते हो, अगली छुट्टी जाए तो आपको अपना गोल्ड कार्ड कलेक्ट करना है, तो आप अपने ड्यूटी स्पॉट से मेल कीजिए अपनी ब्रांच को। मेल आईडी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, वरना SBI फिर ब्रांच कोड फिर @gmail.com ही होती है। मेल के अंदर आपको सर्विस सर्टिफिकेट भी भेजना है उनको और एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन कैसे लिखनी है यदि आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा एप्लीकेशन कैसे लिख दी है अपनी ब्रांच को, ताकि आपका वो अपग्रेड कर दे सिल्वर कार्ड से गोल्ड कार्ड के अंदर, आपका चेंज कर दे। उसके अलावा जो एप्लीकेशंस और ये सर्विस सर्टिफिकेट है, इनको आप फ़ोटो खींच के इनकी PDF बना के फिर अटैच करके ही मेल करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ईमेल आईडी आपको जैसे मैंने बता ही दिया कि ऑनलाइन मिल जाएगी। और थर्ड ऑप्शन है, आप स्वयं से कर सकते हो, आपको कोई मेल नहीं करना, आप उनको इंटरनेट बैंकिंग है, जैसे योनो का इंटरनेट बैंकिंग है, उसके ऊपर जाइए और आप वाया नेट अपने डॉक्यूमेंट्स, सर्विस सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करके तुरंत ले सकते हैं। तो ये दोनों सिमिलर डिजिटल वे है, और फर्स्ट जो इजीएस्ट वे है वो आप ब्रांच में जाइए छुट्टी के दौरान, या आप ब्रांच होम स्टेट में ही है जहां आप ड्यूटी करते हो तो वहां करवा सकते हैं। अब आइए जानते हैं CAPSP के फ़ायदे, सेंट्रल आर्म पुलिस सैलरी पैकेज के मोटे मोटे फ़ायदे जान लेते हैं इन शॉर्ट। डिटेल्ड में हम एक दूसरा वीडियो बना लेंगे जिसके अंदर और डिराइव्ड फॉर्म के अंदर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा। सबसे पहला आप जान लो कि इसके अंदर 30 लाख तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा होता है। इसके लिए आपको कोई अप्लाई नहीं करना हो, यदि आपके पास कार्ड है तो आप उससे एलिजिबल है, उस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए आप एलिजिबल रहें। लेकिन सेकेंड ऑप्शन में एक कंडीशन है कि मुफ्त वायु दुर्घटना बीमा जो है उसके लिए आपको जो टिकट बनानी है फ्लाइट की, वो गोल्ड कार्ड से ही बनानी है। जो जिसके पास गोल्ड कार्ड है वो गोल्ड कार्ड से बनाएगा, जिसके पास डायमंड है डायमंड से बनाएंगे, और जिसके पास प्लेटिनम है वो प्लेटिनम कार्ड से यदि टिकट बनाते हैं तो ही 1 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है। उसके अलावा है मुफ्त स्थायी विकलांगता बीमा 30 लाख का, और अर्ध विकलांगता का बीमा 10 लाख का। ये समझ गए होंगे विकलांगता मतलब कुछ यदि हैंडीकैप हो जाती है तो 30 लाख का, और सेमी कार्ड होल्डर्स 10 लाख का। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT जो हम पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, उनके साथ साथ में इंटरनेट बैंकिंग, चेकबुक और DD जो बनाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई जाती है, उनका कोई बैंक आपसे चार्ज नहीं करता। इसके साथ में भी आप 2 ATM जो लेते हैं, एक फैमिली के लिए और एक खुद के लिए,
क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट ही होना जरूरी है PMSP के लिए, तो उन दोनों ATM का कोई ईयरली चार्ज नहीं आपको बैंक चार्ज करता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हैं। इसके अलावा आपके जो बैंक के अंदर पैसे होते हैं वो ऑटो स्वैप होके एक ऑटोमेटिक FD टाइप में बन जाते हैं, उन पर कुछ एक्स्ट्रा बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये अच्छी फैसिलिटी है। उसके अलावा जो लॉकर लेते हैं उस पर 25% की ईयरली छूट मिलती है PMSP कार्ड धारक को। उसके साथ में होम लोन, कार लोन, इनकी मार्जिन मनी में भी छूट है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो लॉकर है वो PMSP कार्ड होल्डर्स को कई बैंकों में मिलते नहीं है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। यदि आप पैरामिलिट्री का आपका अकाउंट है वहाँ पे, तो आपको प्रायोरिटी देंगे, आपको लॉकर इशू कर देंगे, वरना काफ़ी बैंक्स के अंदर कम लॉकर होते हैं तो जल्दी से मिलता नहीं है, बुक करवाना पड़ता है। और होम लोन और कार लोन की जो मार्जिन मनी है उसमें छूट है। मार्जिन मनी यानी प्रोसेसिंग फीस और ये मार्जिन मनी एक जैसे से ही है, इनके अंदर PMSP को छूट मिलती है और 100% तक की छूट मिलती है प्रोसेसिंग फीस में। यदि होम लोन आप ले रहे हैं तो उसके प्रोसेस के अंदर आपके चाहे से सर्वे होता है घर पे, उनका पैसा वगैरह नहीं लगता, डॉक्यूमेंटेशन का पैसा नहीं लगता, ये बहुत सारे सरचार्जेस नहीं लगते, इनके अंदर आपको रिबेट दे देती है बैंक। साथ ही अब जानते हैं कि स्पेशल जो होम लोन लेते हैं प्रोविजनल होम लोन के जैसे अर्सेनिक बल, उस सदस्य लोन की धनराशि में 75 ईयर्स तक आप बाय इंस्टॉलमेंट चुका सकते हो। यानी एक 75 ईयर्स बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया, लेकिन ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि जितना लंबा होम लोन खींचेगा उतना साल आपको इनकम टैक्स के अंदर रिबेट मिलेगी। तो 75 साल तक आपका कितना भी लोन हो तो कम से कम किस्तें बना के 75 साल तक चुका सकते हैं, वरना और सिविलियंस के ऊपर तो टाइम पीरियड की बंदिशें होती है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट है कि ओवरड्राफ्ट। देखिए, दो चीज़ होती है, एक डिमांड ड्राफ्ट और एक ओवरड्राफ्ट। मान लीजिए आपका बैंक के अंदर सैलरी आती है तो बैंक आप पे ट्रस्ट करती है, इसलिए आपको इन एडवांस पैसे दे सकती है। तो आप इन केस इमरजेंसी कोई पड़ती है तो आप, पहले सिल्वर कार्ड के ऊपर 40,000 की लिमिट थी लेकिन अब 2,00,000 की लिमिट कर दी गई है, आप 2,00,000 तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हो। इसके अलावा PMSP जो खाता धारक होते हैं उनको जीरो बैलेंस रखना भी अलाउ करती है बैंक, वरना अदर्स के लिए जीरो बैलेंस के ऊपर चार्जेस लगाती है पेनल्टी के तौर पे। लेकिन PMSP कार्ड होल्डर्स, PMSP बैंक अकाउंट्स, वो जीरो बैलेंस अपने अकाउंट में रख सकते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा सकता। वैसे तो जीरो बैलेंस होता ही नहीं है, सैलरी बराबर आती है, लेकिन फिर भी इन केस इमरजेंसी आप पूरा पैसा निकाल लेते हैं, जीरो तक चला जाता है, यानी 1,000 से कम भी रहता है तो उसके ऊपर नहीं लगाती है। उसके साथ में ही यदि PMSP कार्ड होल्डर किसी भी ऑल ओवर इंडिया में ATM से पैसे विड्रॉल करते हैं तो उसका कोई पैसा बैंक चार्ज नहीं करती, वरना सर्विस चार्ज के नाम पे दूसरे बैंक से निकालने पर बिना PMSP कार्ड होल्डर्स में पैसा लगता है, और कितने भी अनलिमिटेड टाइम में पैसा निकाल सकते हो, कितनी बार भी एक मंथ के अंदर आप अपना कार्ड स्वैप करके ATM से मन चाहे उतना पैसा निकाल सकते हो, ऑल ओवर इंडिया किसी भी ब्रांच में किसी भी बैंक से निकाल सकते हो, उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा NEFT, RTGS और SMS के नाम के ऊपर अलग बैंक चार्जेस करती है, लेकिन PMSP कार्ड होल्डर्स के लिए, बैंक अकाउंट्स वालों के लिए ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आप ड्राफ्ट भी बनवा सकते हो, जैसे पहले तो आजकल नहीं होता, ऑनलाइन हो गया फीस, पहले ड्राफ्ट बनाने के पैसे लगते थे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके कोई मन में क्वेरीज हो तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू। जय हिंद।